बुरोड़े लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश। अल्ट्रासाउंड सेंटर पर महीनों से चल रहा था अवैध धंधा। टप्पल के पुष्पांजलि अल्ट्रासाउंड सेंटर में हरियाणा और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर बुरोड़े लिंग जांच करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक, रेडियोलॉजिस्ट, काउंटर संचालक और एक दलाल शामिल है। वहीं 3 लोग फरार हैं। फिलहाल सेंटर को सीज कर दिया गया है। लिंग परीक्षण करने की मशीन को भी स्वास्थ्य विभाग ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि 35,000 रुपए में लिंग परीक्षण की जांच का सौदा हुआ था। इसमें से पहले से निर्धारित सीरियल नंबर के 10,000 रुपए के नोट भी संचालक से बरामद किए गए हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पलवल की गर्भवती महिला को ग्राहक डिकाय बनाकर लिंग परीक्षण करने के लिए भेजा था। उसका पीछा करते हुए टीम भी वहां पहुंच गई। टप्पल थाना में 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को टप्पल में पुष्पांजलि अल्ट्रासाउंड सेंटर में अवैध रूप से भ्रूण लिंग की जांच होने की जानकारी मिली थी। वहीं से अफसरों ने पलवल की महिला को ग्राहक बनाकर सेंटर पर भ्रूण परीक्षण कराने भेजा। परीक्षण के लिए 35,000 रुपए में सौदा तय हुआ। फरीदाबाद के अफसरों ने अलीगढ़ के CMO डॉक्टर नीरज त्यागी से संपर्क किया। यहां से ACMO डॉक्टर रोहित गोयल को टप्पल भेजा गया। टीम ने मौके से 4 लोगों को पकड़ लिया। इसमें अल्ट्रासाउंड के रेडियोलॉजिस्ट अभिषेक निवासी गोरखपुर, कस्बा टप्पल निवासी सेंटर संचालक अवधेश कुमार, दलाल व सहयोगी लोकेश कुमार व काउंटर संचालक धर्मवीर को पकड़ लिया। संचालक से ग्राहक से वसूले गए 10,000 रुपए बरामद हुए हैं। टीम ने 4 लोगों को पुलिस को सौंप दिया है।